शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। इलेवेंथ बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का जन्म 1 जून 1966 में लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह वीर चक्र के अंडर कमांड बबीना में हुआ। इलेवेंथ बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स भारतीय सेना में वीरों की एक ऐसी टुकड़ी है जिनकी वीर गाथा आज भी दुश्मनों के खेमे में कपकपी पैदा कर देती है। ।1971 में जब ये पलटन सिर्फ 5 साल जवान थी, तब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में 11th बटालियन को एक अहम कार्य सौंपा गया था, चिकन नेक जीतने का, वो हिस्सा जो भारत की सीमा में एक खंजर की तरह घुसा हुआ है। सरकंडों से सजे इस इलाके को जीतना इतना आसान नहीं था, मगर 11th बटालियन के वीरों के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं था। अल्फा कंपनी का नेतृत्व कर रहे मेजर एआर कोचर ने सबसे पहले इन सरकंडों को पार करने के लिए रास्ता बनाया, जिसे अशोक ट्रेल का नाम दिया गया। दिसंबर को अल्फा कंपनी के सामने एक अहम परीक्षा की घड़ी थी, मगर जिनकी रगों में भारत मां का प्रेम दौड़ता हो उनके पैर कहां कांपने वाले थे। बड़ी दिलेरी से अपना सीना ताने माइनफील्ड को क्रॉस करते हुए अल्फा कंपनी ने बगोदा कोठा पे कब्जा किया। अपनी इस बहादुरी के प्रदर्शन के लिए मेजर अशोक राज कोचर को सेना मेडल से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर 3:30 बजे मेजर अमरजीत सिंह की अगुवाई में चल रही 40 कंपनी ने शाहपुर को फतेह किया। और साथ में दुश्मन के सैनिकों को पकड़कर उनसे पूछताछ की और उनके मंसूबों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। और फिर अगली सुबह ऑर्डर आते ही डेल्टा कंपनी ने चिकन नेक के हिस्सों को इंटरनेशनल बाउंड्री से पूरी तरह कट ऑफ कर दिया।
11th बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के वीरों ने दुश्मन की 5 कंपनियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। मकसद बिल्कुल साफ था, दुश्मनों को इस तरह खदेड़ना कि उनकी आने वाली नस्लें भी ये करने से पहले 100 बार सोचे। अंतिम लक्ष्य मजवाल फेरी की ओर बढ़ते हुए ब्रावो कंपनी ने चढ़ाई की और कैप्टन एचपी मिश्रा ने अपनी एलएमजी से पाकिस्तानी जेट को आकाश से जमीन पर लापटका। कहने को तो दुश्मनों के पास पोजीशन और वेपन दोनों का एडवांटेज था, मगर उससे कहीं ज्यादा बारूद भारत के इन वीरों के इरादों में था। इसलिए तो अपनी सिर्फ एलएमजी से ही इतने बड़े जेट को कैप्टन एचपी मिश्रा ने मार गिराया। और इतना ही नहीं, दुश्मन के सैनिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाजिद अली खान को भी धर दबोचा। सरजमी की हिफाजत करते वक्त पेट्रोलिंग के दौरान मजवाल एरिया में 11 दिसंबर को लेफ्टिनेंट डीएस क्वात्रा का पैर लैंड माइन पर गिर पड़ा, जिसके चलते उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा। ऐसे मुश्किल वक्त में अपने साथी और मातृभूमि की मदद करने के लिए यूनिट आरएमओ कैप्टन कोतवाल ने एक दिलेरी का उदाहरण पेश किया और अपनी समझदारी से अपने साथी को इवैक्यूएट किया। चौदह दिसंबर को दुश्मन के बंकरों को नेस्तो नाबूद करने की जद्दोजहद में रणभूमि में सेकंड लेफ्टिनेंट आरएल मान और उनका रेडियो ऑपरेटर गार्ड्समैन ब्रिजलाल ने वीरता का एक नया इतिहास रचा। अपनी छाती पर एक नहीं 3 गोलियां झेलते हुए गार्ड्समैन ब्रिजलाल ने अकेले ही दुश्मनों को फतेह किया और अपनी टुकड़ी को जीत दिलाने में गार्ड्समैन ब्रिजलाल ने बिना किसी की परवाह करते हुए दुश्मन का सारा बारूद अपने सीने पर झेल लिया। अपनी इस वीरता के लिए गार्ड्समैन ब्रिजलाल को मरणोपरांत वीर चक्र और सेकंड लेफ्टिनेंट आरएल मान को सेना मेडल से नवाजा गया। अपने सैकड़ों बहादुरों के बलिदान से 17 दिसंबर को 11 बटालियन ने अपने दिए गए मिशन को पूरा किया और तिरंगे को उसी शान से बुलंद करके लहराया। इलेवेंथ बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड सलाम करती है 1971 के भारत के उन सभी योद्धाओं का जिन्होंने भारत को दुश्मन पर यह ऐतिहासिक जीत दिलाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया।
जमाने भर में मिलते हैं यूं तो आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इलेवन बटालियन को अपने इस अमूल्यवान साहस, बलिदान और मातृभूमि की रक्षा के लिए थिएटर ऑनर जम्मू एंड कश्मीर से नवाजा गया। भारत माता की जय।